हाय गाइस अगर आप लैपटॉप वर्ल्ड में थोड़े से भी एक्टिव होना आपको पता होगा कि इंटेल आई नाइन थर्टीन जेन प्रोसेसर कितने ज्यादा कमाल के रिसेंटली मैंने एक लैपटॉप यूज करा था जिसके अंदर इंटेल आई नाइन थर्टीन जेन था इस उसका लैपटॉप था वो बट इस बार ये जो लैपटॉप मेरे आगे रखा है ना इसमें एक डेडिकेटेड जी भी मिलता है आरटिक्स फोर्टी जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल की हो गई है मतलब इसमें जितनी टेस्टिंग करी ना बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है चाहे फिर प्रोडक्टिविटी की बात करो या फिर गेमिंग की अगर आपको एक हाई एंड विंडोज़ लैपटॉप चाहिए मेरे हिसाब से इसको चेकआउट करो इसका नाम है बातें डिटेल में बताऊंगा स्टार्ट करने से बारे में थोड़ी बेसिक बातें पहले बता देता हूँ जैसे कि बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो जो लिड है एल्यूमिनियम की बनी है और यहाँ पर ईसुस की बैजिंग मिल जाती है ठीक है क्लीन लुक है बट फिंगरप्रिंट इसके अंदर आ रहे हैं एक टेस्ट जो हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन और हिंज के लिए करते हैं कि एक फिंगर से लैपटॉप खोल

फिजिकली कंट्रोल कर सकते हो वैसे वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो अभी वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड हो ही रही है माइक थोड़ा सा प्रोसेस्ड है लेकिन जो ओवरऑल क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी फिर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करूं, तो वो ज्यादा नहीं देखने को मिलता फुल साइज कीबोर्ड है बैकलेट भी है तो अंधेरे में यूज कर सकते हैं और नम पैड होना एक अच्छी चीज रहती है बट टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट फील हुआ वैसे अच्छा है बाकी पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो वो अच्छा वर्क करता है और जो इस लैपटॉप में ट्रैकपेड है ना वो मुझे डिसेंट लगा है बट वैसे सारे विंडोज के जैसे सपोर्ट करता है बाकी इस लैपटॉप में दो स्पीकर्स मिलते हैं हरमन कार्डन से ट्यून्ड है और डॉलबेट में सपोर्ट करते हैं और मुझे आउटपुट लाइक ठीक लगा लेकिन एक बात की मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा जैसी डिस्प्ले इस लैपटॉप में डाली है ना गाइस माइंड ब्लोइंग में इसको बोल सकता हूं इतनी ज्यादा ब्राइट है सिक्स हंड्रेड निट्स के साथ ही आती है और ये एक 16 इंच डिस्प्ले है जिसका 16 बाय 10 एस्पेक्ट रेशियो है बट मजे की बात यह है कि 3.2 के रेजोल्यूशन के साथ है ये बहुत ज्यादा शार्प फील होती है इनफैक्ट वन ट्वेंटी हर्ट्स का यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी मिलता है इस डिस्प्ले को मैंने बहुत टेस्ट करा है मेरे हिसाब से बहुत कलर एक्यूरेट है पेंटोन की वैलिडेशन के साथ भी आ रही है और हंड्रेड परसेंट डीसीए पी थ्री भी कवर करता है मैं स्ट्रेट एक बात बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से चाहे इस पे कॉन्टेंट देखो या कॉन्टेंट बनाओ मेरे हिसाब से कलर्स जो है बहुत सही आते हैं और जब मैं इस डिस्प्ले में मॉडर्न वॉरफेयर टू खेल रहा था ना जहां पर बहुत सारे ब्लैक सीन रहते हैं वहां पर बहुत अच्छी तरीके से इसने प्रोसेस करे कलर्स वगैरह और पता है क्या इस आजकल मैं ना आर प्लेनेट देखता हूँ हर एक अच्छी डिस्प्ले के अंदर जिससे मैं पता कैसा आउटपुट आता है तो ये बहुत अच्छा आउटपुट निकाल तो पा रहा था बट क्योंकि इस का जो में अपने को बहुत बैटरी मिलती है जो कि बहुत बड़ा नंबर है एक लैपटॉप के लिए इनफेक्ट इस लैपटॉप के बॉक्स में डेढ़ सौ का चार्जर भी मिलता है और हाँ टाइप सी पोर्ट से लैपटॉप चार्ज हो जाता है बट फाइनली बात कर लेते है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जो कि इसका सबसे क्रेजी पार्ट

इसमें ना हमें इंटेल कोर आई नाइन थर्टीन जेन मिलता है नाइनटीन थ्री हंड्रेड एच प्रोसेसर है जिसमें छह परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं और आठ एफिशिएंसी कोर्स है लेकिन इस लैपटॉप में 6 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है और और इस ग्राफिक कार्ड होने की वजह से हमें और DLSS का सपोर्ट मिल जाता है जो की बहुत अच्छी बात है इसके लिए इनफेक्ट यहाँ पर मक स्विच भी मिल जाता है जो की गेमिंग में और हेल्प करेगा बस इतना समझ लो बाकी इस लैपटॉप में सोलह जीबी की रैम मिलती है फोर्टी एट हंड्रेड मेगा हट्स पे है और हाँ

फाइनली गेमिंग की बात करते हैं गाइस और मैंने सबसे पहले इसमें ई स्पोर्ट्स गेम खेले और ऑब्वियसली लो सेटिंग पे खेले जिससे ज़्यादा ज़्यादा से मिल सके जनरली ई स्पोर्ट गेम ऐसे खेले जाते हैं सबसे सी एस गो खेला लोएस्ट सेटिंग पे और 180 से 250 फिफ्टी के बीच में देखने को मिला फिर इसके बाद मैंने वेलोरेंट खेला और वहां पर लोएस्ट सेटिंग में ढाई से पांच सौ के बीच में आराम से दे पा रहा था और फिर इसके बाद मैंने ट्रिपल ए टाइटल्स खेले सबसे पहले मैंने जीटी फाइव इंस्टॉल करा और बिल्कुल हाईएस्ट सेटिंग पे ना सेवन